यार पता नहीं क्या चल रहा है ये भयंकर आजकल मेरा फोन मेरे से डेली डेली गिर रहा है नीचे। मेरे को गाइस दुख इस बात का नहीं है कि इतने सारे कपड़े धोने, मेरे को दुख खुशी इस बात की है कि धारा खाली है आज। और जल्द आपके बीच में एक नया मेहमान भी जुड़ने को मिलेगा मेरे साथ। मैं सोच रहा आईफोन लेने की सोच रहा हूँ। राधे राधे दोस्तों, तो चलिए जी गाइस करते हैं आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आई होप आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। आज की ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है 9:45 बजे से स्टार्ट, और यहाँ से आज का माहौल देख सकते हो गाइस, सुबह सुबह का व्यू देख सकते हो मेरे पीछे से गाँव का। और आज के मौसम की बात किया तो मस्त सी धूप खिली हुई है और बादल कुछ लहरा रहे हैं सिर पे साइड से और कुछ इस साइड से, तो देख सकते हो गाइस। तो चलिए जी करते हैं आज एक नए दिन की शुरुआत और एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो चलते हैं फटफट से घर, करते हैं ब्रेकफास्ट और टाइम भी ज़्यादा हो ही चुका है और मम्मी जी चले गए काम पे। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका मैं घर और करते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में मस्त से हरे आलू की सब्जी और रोटी और ब्लैक टी। तो गाइस यार पता नहीं क्या चल रहा है ये भयंकर आजकल मेरा फोन मेरे से डेली डेली गिर रहा है नीचे। अभी सीधा हाथ से पिछला सीधा पत्थर पर लगा हुआ, ज्यादा स्क्रैच नहीं आया स्क्रीन पे। तो पता नहीं कैसा क्या चल रहा है, कैसा क्या चल रहा है। अब मेरे को लग रहा है एक नया फोन लेना पड़ेगा गाइस, क्योंकि इस कैमरे की क्वालिटी भी बहुत डाउन हो चुकी है। मेरे को लग रहा है आप कमेंट में बताना कैमरे की क्वालिटी डाउन हुई कि नहीं हुई, तो इस हिसाब से मैं देखता हूँ एक नए फोन लेने की जरूर सोचूंगा। तो गाइस बस आपको अपना सपोर्ट और प्यार बना के रखना, तो बहुत जल्द आपके बीच में एक नया मेहमान भी जुड़ने को मिलेगा मेरे साथ। तो मस्त आप फोन ले लेंगे यार, मैं सोच रहा आईफोन लेने की सोच रहा हूँ। तो आपको अपना सपोर्ट और प्यार बना के रखना गाइस। तो गाइस फाइनली मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अभी आ रोड की साइड पे, तो आज बहुत कपड़े हो गए ना धोने के लिए, तो उसके लिए मैं आज निर्मा और साबुन लेने के आ रखा हूँ रोड पे। चलते हैं फटफट से राहुल भाई की दुकान पे, तो ले चलते हैं साबुन और सर्फ। हाँ जी व्हाट्सअप गाइस। तो गाइस टाइम हो चुका है सुबह के 11:15 और फाइनली गाइस अभी आ चुका मैं कपड़े धोने के लिए। और ये चेक करो गाइस इतने कपड़े धोने के लिए, पता नहीं कब तक धोऊंगा मैं इन कपड़ों को, दिन के दोपहर के 1-2 बजे तक पता नहीं कब तक धोऊंगा। मेरे को गाइस दुख इस बात का नहीं है कि इतने सारे कपड़े धोने, मेरे को दुख खुशी इस बात की है कि धारा खाली है आज। अगर धारा खाली नहीं होता ना कपड़े, चाहे एक भी हो, तो धोने में तब तक मज़ा नहीं जब तक धारा खाली नहीं है। तो आज धारा खाली है तो फटफट से आज सौड़ा होकर धोऊंगा इधर से उधर कहीं भी धो सकता गाइस। ये वाला पोर्शन भी खाली है तो फटफट से धोते हैं। हाँ जी गाइस, तो गाइस टाइम हो चुका दोपहर के 12:30 और मेरे को धारा पे आज 1.5 घंटे हो चुके गाइस। 1.5 घंटे में मैंने इतने कपड़े धो दिए ये देखो गाइस, एक बाल्टी धो दिए और एक बाल्टी यहाँ पर पड़ी हुई है, इसको धोते हैं फटफट से। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, मेरे को भी भूख लग रही है, तो फटफट से धोते हैं फिर चलते हैं लंच बनाने। तो धोते हैं इनको फिर मिलते गाइस आपको। और अभी का मौसम देख सकते हो गाइस कितना प्यारा मौसम रखा, कुछ बादल इधर उधर से आ रखे हैं, अभी क्या मस्त लग रहा है मौसम और धूप की किरणें भी मस्त सी पड़ रही है ये देखिए गाइस। तो धोते हैं फिर गाइस फिर मिलते हैं आपको। पहले आ चुका मैं गाइस कपड़े धोने से, इतने कपड़े धोए गाइस आज मैंने, देखो गाइस ये चेक करो, कुछ मम्मी के थे यहाँ पर, कोई एक साड़ी रखी है एक बहन थी मम्मी की और सारे मेरे थे गाइस, ये चेक करिए। तो गाइस टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका, तो करते हैं फटफट से लंच की तैयारी फिर मिलते हैं गाइस आपको, भूख भी खतरनाक लग रही है। तो गाइस टाइम दोपहर के 2 बज चुका है, फाइनली गाइस मेरा लंच रेडी हो चुका है। तो लंच मैंने डाल दिया थाली में, आलू की सब्जी मस्त से और राइस और मट्ठा गाइस एक। तो चलिए जी गाइस करते हैं फटफट से लंच फिर मिलते हैं गाइस आपको। हाँ जी गाइस गुड इवनिंग। तो गाइस टाइम हो रहा है शाम के 5 बज चुके, अभी तक मैं उठा नहीं हूँ, और तो उठते हैं फटफट से चलते हैं बाहर थोड़ा रोड की ओर, और कपड़े भी सूख ही गए होंगे गाइस, सुबह दिन से धूप में डाला कुछ कपड़े तो सूख गए थे, कुछ अभी सूखने बाकी रह गए थे वो भी सूख चुके होंगे। तो चलिए जी चलते हैं फटफट से रोड की ओर, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद बाहर जाके। तो इसने निकल चुका हूँ रोड की ओर और यहाँ पर देख सकते हो गाइस यहाँ पर हमारे गाँव का ये प्राइमरी स्कूल है। मैंने भी अपने जीवन में मतलब मैंने भी अपने बचपन में इस स्कूल से पढ़ा हुआ है 5 तक। फिर गाइस जब मैं छोटा था ना तो मैं 3 साल उत्तर प्रदेश पढ़ा हॉस्टल में रहा मैं, फिर उसके बाद सीधा यहाँ आया मैं 3 में, 1 नहीं पढ़ा 2 नहीं पढ़ा सीधा 3 में गए उत्तर प्रदेश में, LKG UKG नर्सरी पढ़ा, फिर उसके बाद सीधा यहाँ 9 में गए 9-2 में गए सीधा 3 में गए यहाँ। तो 3-4-5 3 साल पढ़े मैंने यहाँ, 3 साल यहाँ पढ़ाई की और फिर 5-6-7-8 यही गाँव में जूनियर में, फिर 9-10 10 में दो बारी में 10 पास किया गाइस मैंने ऐसा भी इंसान हूँ। तो चलिए चलते हैं रोड में। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं घर और शाम के बज चुके 8 बज चुके और मम्मी जी भी आ चुकी है मस्त यहाँ पर घर, और मम्मी जी यहाँ पर अभी खाना दे रही है। तो मम्मी जी खाना कब बनाया आपने है? कब बनाए? बनाने के टाइम बनाए तो
अच्छा तो चलिए आज मम्मी जी फिर से एक बार फ्रेम में। तो चलिए जी गाइस हमारा डिनर भी हो ही रहा है, तो करते हैं फटाफट से डिनर। और तो इस ब्लॉगिंग के एंडिंग यहीं पे करते हैं, उम्मीद करता हूं आपको ब्लॉग अच्छा लगा, तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मिलते हैं जल्द से एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, तखन लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जोर से जय श्री राम, जय श्री राम, पास बैठी, जय श्री राम, जय श्री राम।